मुख्य अतिथि का जयेश वर्मा जी, अनुपम वर्मा जी, राष्ट्रीय सभी लोगों का एक सम्मान पूर्वक बैठाने का काम करें। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सभी कार्यकर्ता एक दूसरे को सम्मान के साथ बैठाने का काम करें। इधर महिलाओं के लिए हाथ थोड़ा जगह बना दें, अच्छा होगा। हमारी मातृशक्ति भी भारी संख्या में आई है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और अब हमारे हरदोई जनपद के जिला अध्यक्ष हैं भाई, अपनी बात रखें। और इनके बाद में हमारी एक महिला किसान नेता साधना सजान जी हमारे बीच में हैं, वो भी तैयार रहे, इनके बाद में उनका उद्बोधन होगा। भाई आदरणीय सम्मानित मंच ना बढ़ूंगा मैं बना के सामने, आप दोनों मर जाएंगे अपनी अपनी राह में, भूख भी के सामने और मैं खुदा के सामने। दोस्तों साहस पर उस पर कानों की कमी नहीं, बस एक बार या कोई काम बना ली है, भारत का दुनिया का परिधान बदल जाए, बस एक बार उस पर हुंकार लगा ली है। मोदी जी याद रखिए, जब जब पार्टी के पूतों ने अपने पन को पहचाना है, अन्यायों में डूबे शासन ने तब तक लोहा माना है, हल बैल खेत खलिहानों में हेलो बोलना है। हेलो मेरा सवाल है, इतनी बड़ी पंचायत और इतना बड़ा कभी भी किसानों ने आंदोलन नहीं किया, ये किसकी सरकार ज्यादा बेहतर थी? अजी पिछली सरकार तो अच्छी को आ जाए, बातचीत तो हो जाए, पर ये तो चौथा महीने में ये आंदोलन शुरू हो गया, तो क्या करे हमें? ये तो आप लोग सभी अंदाजा लगा लो किसानों के ऊपर क्या है। अरे हो गया ठीक है, बहुत पहले से पंचायत होते हैं। बाराबंकी जिला एक अपने में इनकी अहम भूमिका रही, अच्छी बात है, किसी भी उसमें पंचायत होते रहते हैं, अपना परिवार है, अपने परिवार में मिलते हैं, कोई ये चुनावी पंचायत नहीं है। किसानों की समस्या है, किसानों के उसमें किसान पीड़ित है, तो इस उसमें ये पंचायत हो रही। लगातार सरकार से बातचीत हुई, कोई हल निकला नहीं है, समाधान कोई निकल नहीं पा रहा है। सरकार के लिए हम कानून को वापस नहीं करेंगे, आप क्यों नहीं कानून को वापस करवा कर रहेंगे? नहीं तो सरकार की जिम्मेदारी है, और नहीं किसानों के प्रति उनका मान सम्मान कर रहे हैं किसानों, तो हम क्या करें? हमारे आंदोलन के सिवा हमारे पे क्या रास्ता है? नरेश जी, जहाँ जहाँ आपकी पंचायत हो रही है, प्रशासन यूपी के पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि यूपी सरकार कोई एजेंडा निकालेगी केंद्र सरकार, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में किसानों का व्यवधान न पड़े? वो तो जनता की सोचने की बात है, जनता किस तरह था वो करे, क्या
हमारा कोई वो नहीं है, हमारा कोई वो नहीं, कोई उद्देश्य नहीं ना पंचायत में। पंचायती चुनाव अपने समय पर हो, शांति में चुनाव हो, तो सब तो बढ़िया। यही बात हमारा कोई वो नहीं। योगी सरकार ने कहा था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किसान परेशान नहीं है, यहाँ का पंचायत हो रही है, प्रशासन परमिट नहीं कर रहा है, और यहाँ भी पंचायत ने आपको अनुमति नहीं दी है। नहीं तो बिना अनुमति के हो रही है ना, तो अनुमति इस जन समूह को अनुमति बिना अनुमति के जो परवे है आपको की पंचायत हो रही है, कहीं अभी प्रशासन मुकदमे भी दर्ज कर सकता है आप लोगों के ऊपर? नहीं, मुकदमे का उनकी जरूरत है, मुकदमा कहीं के करे सर, प्रशासन हमें क्या सहयोग कर रहा है? हम कोई यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामिया कर रहे हो पर के किसान है नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात है, ये तो खामक आगे पूरा है। अरे माइक से नहीं है, ये पूर्वांचल के किसान है तो ये बताओ संगठन तक जुड़े नहीं रहे, किसान नहीं है क्या? ये खेती नहीं करते क्या? पूरे भारत का किसान आज प्रभावित हो रहा, ये सरकार ये इस तरह के प्रोपेगेंडे ना फैलावे। किसान कोई वो नहीं है, बातचीत पूरे देश का किसान आज एक है, पूरा पूरे देश का किसान आंदोलन है। आज 91वां दिन हो गया, आज 90 दिन पूरे हो गए, 3 महीने पूरे हो गए, 4th महीने में प्रवेश कर गए यहाँ, तो सरकार इस तरह की अफवाह ना फैलावे, अपना काम ठीक ठाक चलावे। तो हम तो यही कहे, क्या रणनीति रहेगी जो किसान पंचायत हो रही है अभी 2-3 जिलों में हो रही है, क्या रणनीति है जो बेहतर किसानों के लिए काम किया इसने? यहाँ तो एक तो बताओ, यहाँ झंडे भारतीय किसान यूनियन के लग रहे, और भाई पार्टी की तो बात, सब आदमी कहीं ना कहीं जुड़े हुए, कोई सपा से जुड़ रहा, कोई लोकदल से, कोई बसपा से, कोई भाजपा से, तो यहाँ ना थोड़ा ये किसान, यहाँ तो सब किसान बनकर आ रहे, किसान की हुआ है बातचीत ना, यहाँ कोई चुनावी सभा, कोई चुनावी सभा नहीं है, कुछ नहीं है, ना किसी उसका कोई वो है बातचीत। हम तो भाजपा का भी विरोध नहीं कर रहे, हम तो उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, बिल का विरोध, जो इसकी नीति है, नीति खराब है, किसानों के प्रति जो नीति है सरकार की। आंदोलन तो पहले भी हुए, सपा में भी हुए, कांग्रेस में भी हुए, सारे